गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आपका जो एंटोमोलॉजी सेकेंड ईयर का जो कोर्स है एंटो 211, ठीक है, इंसेक्ट इकोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसकी दो क्लास अपने पहले हो चुकी है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इकोलॉजी के बारे में, है ना। फर्स्ट जो क्लास थी वो जनरल इंट्रोडक्शन था इस कोर्स के बारे में। सेकेंड जो क्लास हुई थी हमारी वो क्या हुई थी, इंसेक्ट इकोलॉजी वाला जो पार्ट है। यहाँ क्या है, दो पार्ट है, दिखाई दे रहा है सबको। एक तो पार्ट आपका कौन सा है, इंसेक्ट इकोलॉजी वाला, और सेकंड है आईपीएम का, है ना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें से जो इकोलॉजी वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, पिछली क्लास में ये कंप्लीट हो गया था। अभी हम एक एक करके बात करेंगे जो आईपीएम का आपका कोर्स है उसके बारे में, ठीक है। पिछली क्लास अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी हो तो एक काम करना, ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको एक आई बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके पीछे वाली क्लास को देख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आईपीएम में। इसमें हम कुछ एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजी, है ना, कुछ कैटेगरीज वो पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात, पहली बात तो ये क्या कि पेस्ट होता क्या है, ये पता होना चाहिए, है ना। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में पेस्ट जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, दो चीज़ें होती है, एक होता है इंसेक्ट और एक होता है पेस्ट। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंसेक्ट क्या है और पेस्ट क्या है। क्या सारे इंसेक्ट पेस्ट हैं, क्या सारे पेस्ट इंसेक्ट हैं, ठीक है। अगर है तो कैसे है और क्यों, इनके अंदर क्या है, डिफरेंस क्या है और कैसे है, उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले यही बात कर लेते हैं। दो चीज़ें होती हैं, मैंने अभी आपको बताया, एक होता है इंसेक्ट, ठीक है, एक होता है पेस्ट, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर बात करें इंसेक्ट की सबसे पहले, तो इंसेक्ट किसको बोलेंगे, सिंपल सी बात है, एक बात, वो एनिमल जिसकी बॉडी जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने फंडामेंटल कोर्स में पढ़ा होगा, वो एनिमल जिसकी बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट। अब थ्री पार्ट कौन कौन से होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इंसेक्ट, जिसकी बॉडी पार्ट क्या होती है, बॉडी है थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्लस क्या होती है, मोस्टली टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है, दो जोड़ी पंख होते हैं, फिर थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, तीन जोड़ी क्या होती है, टांगे होती है। ये एक जनरल ओवरव्यू है, ठीक है, ये जनरल क्या है, एक करेक्टरिस्टिक्स है कि हाँ हम इसको क्या बोलेंगे, इंसेक्ट बोलेंगे। तो ये तो बात होगी इंसेक्ट की। अब बात करेंगे पेस्ट की। तो यहाँ सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आता है कि क्या सारे इंसेक्ट पेस्ट हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना कि सारे इंसेक्ट जो है वो पेस्ट नहीं है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए पेस्ट बोलते किसको हैं, ठीक है, इंसेक्ट तो हो गया, अब बात करेंगे पेस्ट की, ठीक है, कि पेस्ट किसको बोलेंगे, ठीक है। तो पेस्ट की बात करेंगे, पेस्ट में आप ध्यान रखना कि वो चीज़, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी जीवित जीव जो क्या है हमें इकोनॉमिक लॉस करता है, ठीक है, या फसल को या मानव के जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको जो नुकसान पहुँचाता है वो क्या है, पेस्ट है। कोई भी जीवित जीव जो क्या है किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। अब जैसे बात करेंगे, अगर मैं बात कहूँ रेट की, ठीक है, चूहा जो है, चूहा क्या है, पेस्ट है, ठीक है, चूहा जो क्या है ये एक पेस्ट है। पेस्ट क्यों है, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाता है। लेकिन बात करें इंसेक्ट की, तो क्या चूहा इंसेक्ट है, तो ये इंसेक्ट नहीं है। रीज़न क्योंकि ये क्या है, इन सारे जो है अभी हमने बात की थी, जो इनमें से कोई भी करेक्टरिस्टिक को ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ये सब थोड़ी होता है इसके अंदर, लेकिन फिर भी क्या है, चूहा एक पेस्ट है। तो कहने का मतलब वो सारी चीज़ें, वो जीव जो क्या है, जो हमें इकोनॉमिक लॉस पहुंचाता है, वो क्या है, पेस्ट है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं बात करूँ जो ब्लू बुल है, नील गाय देखी होगी सबने खेतों के अंदर, नील गाय जो है ये क्या है, एनिमल है, ठीक है, क्या ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट नहीं है, है ना, इंसेक्ट नहीं है, लेकिन क्या है, ये पेस्ट है। अब इवन बात करें ह्यूमन बींग की,
ठीक है, मनुष्य खुद जो है, मनुष्य खुद क्या है, एक पेस्ट है, ठीक है, लेकिन क्या है, इंसेक्ट नहीं है, ठीक है। मनुष्य कैसे पेस्ट है, क्योंकि ये क्या करता है, अगर इसी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा ही क्या है, नुकसान पहुंचाया जाए किसी संपत्ति को, तो वो क्या है, पेस्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब बात करें इंसेक्ट पेस्ट की, जो कॉम्बिनेशन की है कि क्या सारे इंसेक्ट पेस्ट है या सारे पेस्ट इंसेक्ट है, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, ये दोनों ही टर्म क्या है, फॉलो नहीं होती है, कि ना तो सारे इंसेक्ट पेस्ट है और ना ही सारे पेस्ट इंसेक्ट है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें किसी इंसेक्ट की, ठीक है, चलिए बात एग्जांपल के लिए अपने ले लेते हैं लोकस्ट को, ठीक है। लोकस्ट जो है, टिड्डी जिसको बोलते हैं, तो ये क्या है, इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट है, और ये क्या है, पेस्ट भी है, क्योंकि नुकसान पहुंचा रही है, इंसेक्ट है और पेस्ट भी है। लेकिन अगर यहाँ मैं एग्जांपल लूँ इसकी जगह हनी बी का, मधुमक्खी जो होती है, हनी बी, मधुमक्खी जो है, ये क्या है, इंसेक्ट है, बिल्कुल इंसेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, इन सारे जो है, जो टर्म्स को फॉलो करती है, तो ये इंसेक्ट तो है, लेकिन क्या ये पेस्ट है, तो ये पेस्ट नहीं है। पेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि ये क्या है, हमारे लिए फ़ायदा करती है। क्या फ़ायदा करती है, पोलिनेशन का काम करती है ना, पोलिनेशन का काम करती है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेनिफिशियल इंसेक्ट। ये किस में आते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट, लाभकारी जो कीट होते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट बोलेंगे इसको, इसको पेस्ट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ आ गया, ऐसे बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे। तो ये क्या है, यानी कि सारे इंसेक्ट जो, वो पेस्ट तो नहीं हो सकते। अब बात करेंगे सारे पेस्ट इंसेक्ट होने की, तब भी क्या है, ये एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था चूहे का, है ना, रेट, तो रेट क्या है, पेस्ट तो है, लेकिन क्या ये इंसेक्ट है, नहीं है। नीलगाय की बात करें तो ये क्या है, इंसेक्ट, सॉरी, पेस्ट तो है, लेकिन क्या इंसेक्ट है, नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन में ध्यान रखना कि ना तो सारे जो पेस्ट हैं वो इंसेक्ट है, और ना ही सारे जो इंसेक्ट हैं वो पेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, चलिए लेके चलते हैं। फर्स्ट जो है पेस्ट, पेस्ट जो वर्ड है, पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में बहुत बार, क्या जो आपका न्यू टाइप का पार्ट आता है उसके अंदर वर्ड्स पूछ लेते हैं सिंपली, ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है। तो ध्यान रखना, पेस्ट जो है ना, पेस्ट ये क्या है, दो चीज़ों से, एक तो ये क्या है, फ्रेंच वर्ड है एक, पेस्टी, ठीक है, इससे मिलके बना है, या तथा ये क्या है, एक लैटिन टर्म है पेस्टिस, ठीक है, उससे मिलके बना है। इनका मतलब क्या होता है, फ्रेंच वर्ड पेस्टी और लैटिन वर्ड पेस्ट्स, इसका मतलब होता है प्लेग और कंटेजियस डिजीज, यानी कि जो संक्रामक रोग जिसको बोलते हैं, है ना, संक्रामक रोग जिसको बोलते हैं, तो ये क्या है, उसको क्या बोलेंगे हम, पेस्ट बोलेंगे। यानी कि ये क्या है, फ्रेंच वर्ड और लैटिन वर्ड, ठीक है, पेस्टिस, इससे मिलके बना है, जिसका मतलब क्या होता है, प्लेग या फिर संक्रामित रोग या डिजीज, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, कि पेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या है, पेस्ट इज एनी एनिमल, पेस्ट क्या है, कोई भी एनिमल विच इज नॉक्सियस, जो कि क्या है, खतरनाक है, डिस्ट्रक्टिव और ट्रबलसम टू मैन, यानी कि क्या है, नुकसान पहुंचाता है और उसको कंट्रोल करना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, मनुष्य और उसके इंटरेस्ट, यानी कि उसके जो भी पसंद की चीज़ें हैं उनको जो क्या है, नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या बोलेंगे हम, पेस्ट बोलेंगे। सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, ए पेस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच हार्म्स मैन, यानी या तो मनुष्य को हार्म्स पहुंचाता है, और हिज प्रॉपर्टी, या उसकी जो प्रॉपर्टी या उसकी संपत्ति है उसको जो नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या बोलेंगे, पेस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब फिर बात है, बात करेंगे यहाँ कैटेगरीज की, ठीक है, कि पेस्ट की कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले अब ये इनको अलग अलग आधार पर डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट अगर बात करेंगे तो क्या है, बेस्ड ऑन अकरेंस, ठीक है, अकरेंस का मतलब क्या होता है, उनके जो आने का या प्रकट होने का या किसी क्रॉप में नुकसान पहुंचाने का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जो टाइम पीरियड जो होता है उसके अकॉर्डिंग इसको कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे तो क्या है, रेगुलर पेस्ट,
अब यहाँ रेगुलर नियमित की किसको बोलेंगे, नियमित यानी रेगुलर नाम से ही पता चल रहा है जो क्या क्या है, रेगुलर है हमेशा आता है जो, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन में देखो इसके क्या है, फ्रिक्वेंटली अकर्स यानी कि लगभग ये आता ही है, आता रहता है या बार बार, ऑन क्रॉप क्लोज एसोसिएशन, ठीक है। क्रॉप, क्रॉप में क्या बार बार आता है, और प्लस क्या है ये क्रॉप के साथ क्लोज एसोसिएशन में यानी कि उसके क्या है निकट संबंधों में रहता है, और ये उस क्रॉप के लिए क्या है हमेशा उस क्रॉप में आपको दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। अब बात करें इसके एग्जांपल की, राइस स्टेम बोरर हो गया, ब्रिंजल सूट बोरर हो गया। कहने का मतलब क्या है, ये जो पेस्ट है ना, राइस स्टेम बोरर हो गया, ठीक है, जो चावल का क्या है जो तना भेदक जिसको बोलते हैं, या बैंगन का जो है फल भेदक जिसको बोलते हैं, ये क्या है, ये इन क्रॉप पे आपको लगभग 90% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी ये क्रॉप जहाँ होगी वहाँ ये पेस्ट आपको दिखाई देंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रेगुलर पेस्ट। अब बात करेंगे ओकेजनल पेस्ट की, ओकेजनल किसको बोलते हैं, ओकेजन किसको बोलते हैं, कोई भी फंक्शन हो या त्यौहार हो जो क्या है एक स्पेशल टाइम पे जो होता है उसको बोलते हैं ओकेजन। तो ओकेजनल पेस्ट उसी अकॉर्डिंग है, ये क्या है इनफ्रिक्वेंटली यानी कि कंटिन्यूस नहीं होता, लगातार नहीं होता, इनफ्रिक्वेंटली अकर्स, नो क्लोज एसोसिएशन, क्या है इसका क्रॉप के साथ क्लोज एसोसिएशन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए क्या है, कैसवम ऑन राइस, राइस के अंदर जो कैसवम लगता है जो जाल बनाता है, या फिर मैंगो स्टेम बोरर जो आम का तना भेदक जो है, ये क्या है, ये ओकेजनल पेस्ट माना जाता है इनको, ठीक है, पता चल गया। रेगुलर पेस्ट क्या है, जो क्या है नियमित रूप से किसी क्रॉप में आएंगे और उसके साथ क्लोज एसोसिएशन में जो रहते हैं। अब बात करेंगे ओकेजनल पेस्ट की, तो वो पेस्ट जो क्या है इनफ्रिक्वेंटली यानी कि फ्रिक्वेंटली नहीं आते, इनफ्रिक्वेंटली होते हैं, प्लस क्या है इनको ये क्लोज एसोसिएशन में नहीं होते हैं। फिर बात करेंगे सीजनल पेस्ट, अब यहाँ सीजनल पेस्ट आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सीजनल का मतलब क्या है, जो एक किसी पर्टिकुलर सीजन के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ सीजनल में बात करें तो क्या है, अकर्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन एवरी ईयर, यानी कि हर वर्ष क्या है ये एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर, जैसे बात करें खरीफ सीजन हो गया आपका या रबी सीजन हो गया, तो खरीफ सीजन में आने वाले पेस्ट क्या है अगली बार फिर से खरीफ सीजन में आपको दिखाई देंगे, तो वो क्या हो गया सीजनल पेस्ट हो गया, यानी जो कि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं सीजनल पेस्ट। एग्जाम्पल के लिए रेड हेरी कैटरपिलर हो गया ग्राउंड नट के अंदर, ठीक है, या फिर मैंगो हॉपर्स हो गए, ये क्या है एक पर्टिकुलर जो सीजन है उसके अंदर आपको उस क्रॉप के ऊपर दिखाई देते हैं। चलिए आगे बात करें, फिर है परसिस्टेंट पेस्ट, ठीक है, परसिस्टेंट पेस्ट। अब परसिस्टेंट किसको बोलते हैं, हिंदी मतलब क्या होता है इसका, दृढ़। अब यहाँ दृढ़ क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि वो जिसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है या उसकी जगह छुड़वाना, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अकर्स ऑन द क्रॉप थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे वर्ष भर क्या है उस क्रॉप के ऊपर वो रहता है, फर्स्ट थिंग। तो सेकेंड क्या है, एंड इज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, जिसको कंट्रोल करना क्या होता है मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के लिए चिली थ्रिप्स, जो मिर्च के ऊपर जो थ्रिप्स आती है, या फिर मिली बग, जो अमरूद की जो फसल है उसके ऊपर जो मिली बग लगता है, ये क्या है, ये सारे परसिस्टेंट पेस्ट या जिसको बोलते हैं दृढ़ नासी कीट है ना, यानी कि वो पेस्ट जो क्या है पूरे वर्ष भर किसी क्रॉप के ऊपर रहते हैं, प्लस उनको मैनेजमेंट करना या उनको कंट्रोल करना क्या होता है बहुत ही मुश्किल होता है, उसको क्या बोलते हैं परसिस्टेंट पेस्ट। अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखिए आगे है स्पोरेडिक पेस्ट, तो स्पोरेडिक पेस्ट किसको बोलेंगे, वे पेस्ट। स्पोरेडिक जैसा कि नाम से, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, छिटपुट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं छिटपुट, यानी कि जो बहुत ही कम क्षेत्र में और कभी कभी इतने शिविर नहीं होते उसको क्या बोलते हैं स्पोरेडिक। देखिए क्या लिखा हुआ है, पेस्ट अकर्स इन आइसोलेटेड, यानी कि आइसोलेटेड लोकेलिटीज़, यानी कि अलग अलग जगह पे, आइसोलेटेड मतलब क्या होता है अलग अलग, तो ये क्या अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, ड्यूरिंग सम पीरियड, कुछ ही जो है काल ऐसा होता है जिसमें क्या है ये पाए जाते हैं। एग्जांपल के लिए कोकोनट स्लग कैटरपिलर, कोकोनट में एक कैटरपिलर लगता है स्लग कैटरपिलर, तो ये क्या है कि ये जो है एक पर्टिकुलर बात करें तो सीजन की या फिर सीजन में भी बहुत कम टाइम के लिए क्या है और बहुत ही कम अवस्था में, झुंड में नहीं दिखेंगे आपको, ये क्या है आइसोलेटेड रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे स्पोरेडिक पेस्ट, इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं करते हैं ये। फिर बात करेंगे नेक्स्ट है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन, यानी कि इनके जो
नुकसान पहुंचाने का जो है ना लेवल, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इनको किस किस कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे। देखिए फर्स्ट है एपिडेमिक पेस्ट। ये टर्म जो है आपने पैथोलॉजी के अंदर भी ज़रूर पढ़ी होगी, एपिडेमिक क्या होता है, और इसके अलावा अगर बात करें पेंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है ना, ये सब वो पेस्ट के कंसेप्ट में होते हैं। और ये क्या है, इंसेक्ट की चीज़ सेम ही है। अब देखिए अगर बात करें एपिडेमिक की, ठीक है, तो एपिडेमिक किसको बोलेंगे, वो पेस्ट, ठीक है, वो पेस्ट जो अचानक से आया है। ठीक है, कोई भी पेस्ट जो अचानक से किसी जगह पर प्रकट होता है और बहुत ही सीवियर फॉर्म में, यानी कि बहुत ही सीवियर फॉर्म में जिसका जो है डैमेज होता है, या बहुत अधिक ही स्तर पे, अधिक ऊपर के लेवल में वो क्या है नुकसान पहुंचा देता है क्रॉप को बहुत, और अचानक से प्रकट होता है। ठीक है, और एक फिक्स क्या है, कन्फाइंड एरिए के अंदर, एक फिक्स क्या है एरिए के अंदर रहता है वो, उसको क्या बोलेंगे हम, एपिडेमिक पेस्ट। ठीक है, देखिए क्या है, सडन आउटब्रेक, अचानक से प्रकट होना ऑफ ए पेस्ट इन ए सीवियर फॉर्म। ठीक है, सीवियर फॉर्म के अंदर अचानक से प्रकट होगा इन ए रीजन, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर एट ए पर्टिकुलर टाइम, और उस रीजन के अंदर भी एक पर्टिकुलर क्या है समय के ऊपर ही जो क्या है प्रकट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं एपिडेमिक पेस्ट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ब्राउन प्लांट होपर इन तंजौर, तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट है तंजौर डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर क्या है ब्राउन प्लांट होपर जो है वो क्या है एपिडेमिक पेस्ट की कैटेगरी में रखा गया था। फिर बात करेंगे रेड हेरी कैटरपिलर मदुरई के अंदर, तो ये क्या है, ये सीवियर, यहाँ पहले नहीं थे ये, इनका अचानक से अटैक हुआ, प्लस क्या है ये बहुत ही सीवियर फॉर्म में अटैक लेके आए, और इसके साथ बहुत अधिक मात्रा में इन्होंने क्या है वहाँ पे नुकसान भी पहुँचाया। ठीक है, ये हो गया एपिडेमिक। अब बात करेंगे एंडेमिक पेस्ट की। ठीक है, एंडेमिक पेस्ट की, अब इसमें क्या है, इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि ये बहुत ही क्या है कम स्तर पे होगा एंडेमिक जो होगा। ठीक है, एक तो कम स्तर पे होगा, फिर क्या है रेगुलरली होगा। ठीक है, रेगुलरली होगा, और इसका डैमेज जो है वो भी क्या है कम होता है। बात करें अगर एपिडेमिक की तो उस कैटेगरी में देखिए क्या है, अकरेंस ऑफ द पेस्ट इन ए लो लेवल, है ना, उससे क्या है लो लेवल पे होता है, कम लेवल पे होता है, इन ए फ्यू पॉकेट्स, यानी कि कुछ ही स्थान जो है वहाँ पे इसका अटैक होता है, रेगुलरली होता है, एंड कन्फाइंड टू पर्टिकुलर एरिया, कन्फाइंड टू पर्टिकुलर एरिया यानी कि एक निश्चित जो है एरिया उसके अंदर ही ये क्या है सीमित रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए राइस गालमीज हो गया, ठीक है, इन मदुरई, मैंगो होपर इन पेरियाकुलम, तो ये क्या है फिक्स जो क्या है लोकेशन है जिनके अंदर इनका डैमेज क्या है सीवियर फॉर्म में, सीवियर फॉर्म में नहीं होता, एंडेमिक की बात करें वो किस फॉर्म में होता है, पेस्ट जो एपिडेमिक पेस्ट है उस कंडीशन में क्या होता है ये सीवियर फॉर्म में होता है। इसके अलावा एक और होती है पेंडेमिक, नाम सुना हो तो, पैथोलॉजी में होती है ये टर्म। ठीक है, चार चीज़ें होती है एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक और पेंडेमिक। तो पेंडेमिक की बात करेंगे तो पेंडेमिक के मतलब क्या है, सीधी सी बात है वर्ल्ड वाइड लेवल पे कोई भी पेस्ट या डिजीज जो क्या है वर्ल्ड वाइड लेवल पे पूरे विश्व स्तर पर जो जिसका नुकसान होता है उसको क्या बोलेंगे पेंडेमिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर है इंसेक्ट की जगह इनके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल, इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन होती है इनकी जो संख्या है उसके आधार पे इनको क्या है कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं, और इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही क्या है इनको आईपीएम की जो अपने टूल्स यूज़ करते हैं या आईपीएम काम में लिया जाता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, वो इन सब लेवल को देख के इनके आधार पे ही क्या है डिसाइड किए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं GEP। ठीक है, GEP जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है GEP जिसको बोलते हैं, कोई भी पेस्ट, ठीक है, कोई भी पेस्ट जो क्या है किसी निश्चित जो है जगह पे, ठीक है, एक लंबे समय से, यानी कि आप मान के चलो थ्रू आउट द ईयर उस पेस्ट की उतनी जो डेंसिटी है या उतने नंबर्स ऑफ पेस्ट है वो क्या है वहाँ पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जब तक कि अचानक से वो जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है एक जनरल इनकी क्या है क्वांटिटी है जो क्या है एक लंबे समय तक क्या है बनी रहती है। देखिए द एवरेज डेंसिटी
एवरेज डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कि जनरल डेंसिटी, डेंसिटी किसको बोलते हैं, घनत्व को या जनसंख्या, इनकी जो सॉरी जो नंबर ऑफ पेस्ट्स है उनको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो इनकी जो एवरेज डेंसिटी है यानी कि जो लगभग रहती है उतनी, तो एवरेज जो डेंसिटी है ऑफ ए पर्टिकुलर ऑफ ए पॉपुलेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय से क्या है वो उस संख्या है वहीं बनी हुई है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। अराउंड विच द पोस्ट पॉपुलेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच द पोस्ट पॉपुलेशन टेंड्स टू फ्लक्चुएट। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, पेस्ट पॉपुलेशन टेंड्स टू फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट कब होगी, यानी ये तो फिक्स हो गया कि उनकी एक एवरेज जो है वो पॉपुलेशन एक लंबे समय तक बनी रहती है, अब वो फ्लक्चुएट कब होगी यानी कि वो चेंज कब होगी, जब ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, या तो जो जैविक और अजैविक घटक है उनकी वजह से, एंड इन द एब्सेंस ऑफ परमानेंट इन्वायरमेंट चेंजेस, यानी कि एबायोटिक और एबायोटिक जो घटक है उनकी उपस्थिति सॉरी अनुपस्थिति, या फिर जो इन्वायरमेंट है अगर उसके अंदर परमानेंट चेंज नहीं होता, समझ रहे हो, यानी कि कोई भी वातावरण जहाँ मान लो कि ये जिनकी जनरल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन रहती है या जनरल नंबर ऑफ इनकी क्या है डेंसिटी जो हमेशा बनी रहती है, अगर वहाँ पे बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर का बहुत ज़्यादा क्या है उनके अंदर चेंज नहीं हो, या फिर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है आसपास का जो क्या है वातावरण है अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो अचानक से, तो इनकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, इनकी पोजीशन जो है वो वही रहती है, डेंसिटी जो क्या है लॉन्ग पीरियड सॉरी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड से क्या है वही रहती है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया जी पी, सीधी सी बात है किसी भी इंसेक्ट की एक क्या है एवरेज डेंसिटी जो एक फिक्स एरिया के अंदर साल भर बनी रहती है उसको क्या बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब बात करेंगे ETL की, ठीक है, ETL इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, हिंदी में इसको बोलते हैं आर्थिक दहलीज स्तर, आर्थिक दहलीज स्तर। ये क्या होता है, ये भी पॉपुलेशन ही है इंसेक्ट की, पेस्ट की, तो पेस्ट की वो पॉपुलेशन, क्या याद रखना आपको कि पेस्ट की वो पॉपुलेशन जिस पर हम कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं, कंट्रोल मेजर्स यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी आप मान लो स्प्रे का छिड़काव कर रहे हो, जो भी है ना केमिकल्स का स्प्रे कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, इसको कंट्रोल करने के लिए जो वो लेवल जो होती है जिस पर हम कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ETL या आर्थिक दहलीज स्तर, ठीक है। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी, ये तो हो गया, किसी बात किसकी हो रही है, डेंसिटी की हो रही है इंसेक्ट की, यानी कि उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशन डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जिसके ऊपर उनकी वो डेंसिटी जिसके ऊपर हम क्या करते हैं कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, टू प्रिवेंट एंड इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन, टू क्या है प्रिवेंट एंड इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन, इनकी पेस्ट की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज होने से प्रिवेंट करते हैं यानी कि रोकते हैं, फ्रॉम रीचिंग EIL कर लेना इसको ना, रीचिंग EIL इकोनॉमिकल इंजरी लेवल, यानी कि इकोनॉमिकल इंजरी लेवल तक पहुंचने से पहले पहले हम क्या करते हैं इसके ऊपर कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं, तो वो स्तर इंसेक्ट की डेंसिटी, इंसेक्ट की वो डेंसिटी या वो स्तर जिसके ऊपर हमें कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं ताकि इसके द्वारा जो क्या है इकोनॉमिक लॉस ना हो हमें, है ना, आर्थिक क्षति ना हो, उसके लिए जो कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं उस लेवल को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिकल इंजरी लेवल, इकोनॉमिकल इंजरी लेवल, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है यानी कि आर्थिक क्षति स्तर बोलते हैं जिसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्थिक क्षति स्तर, इसमें क्या होता है ये किसकी, ये जो आपको ETL अभी मैंने बताया था ये इसकी बाद की अवस्था है, जो EIL है ये क्या है इसकी बाद की अवस्था है, यानी कि अगर हम किसी पेस्ट का, अगर हम किसी पेस्ट का ETL जो लेवल होती है इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल यहाँ पर कंट्रोल मेजर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस इंसेक्ट की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाएगी और वो किस पर पहुँच जाएगी,
इकोनॉमिकल इंजरी लेवल, यानी यहाँ ये वो लेवल है जहाँ पर हमें रियल में क्या है आर्थिक क्षति होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ अगर हम कंट्रोल मेजर्स अप्लाई भी करेंगे तो हमें क्या है कुछ ना कुछ क्षति ऑलरेडी हो चुकी होगी, ठीक है। यानी कि ETL EIL जो है वो ETL के बाद की लेवल है। देखिए क्या है, द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि वो लोएस्ट डेंसिटी इंसेक्ट की, वो कम से कम इंसेक्ट की क्या है घनत्व, दैट विल कोज इकोनॉमिक डैमेज, जो कि इकोनॉमिक डैमेज या आर्थिक क्षति पहुंचाता है, उस जो डेंसिटी है वो जो घनत्व है इंसेक्ट पेस्ट का उसको क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल इंजरी लेवल, ठीक है। वो जो लेवल होता है जिस लेवल पर ये नुकसान पहुंचाना या हमें आर्थिक क्षति करना स्टार्ट कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं आर्थिक क्षति स्तर या इकोनॉमिकल इंजरी लेवल, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या तो आपसे पूछा जाएगा इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल के बारे में या आपसे पूछा जाएगा इकोनॉमिकल इंजरी लेवल के बारे में। अब यहाँ ये आपको हो सकता है पूरी डेफिनेशन दे के सिर्फ आपको एक वर्ड पूछ ले, जैसे कि आपको दे दिया जाए कि वो लेवल, ठीक है, वो लेवल जिस पर हमें क्या है कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं या करने चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं, तो आप क्या कहोगे ETL, है ना, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंसेक्ट की वो लोएस्ट डेंसिटी जो क्या है हमें जिसके द्वारा हमें आर्थिक क्षति स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उस लेवल को क्या बोलते हैं, तो इकोनॉमिकल इंजरी लेवल। तो इसको देख लेना ढंग से, इतनी कुछ खास नहीं है, बस समझ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर है डैमेज बाउंड्री। अगर बात करें डैमेज बाउंड्री, तो डैमेज बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब क्या होता है, सिंपल सी टर्म अगर अपने बात करें, डैमेज को छोड़ो, बाउंड्री का मतलब क्या होता है, कोई भी सीमा, ठीक है, कोई भी सीमा। अगर क्रिकेट सब देखते होंगे उसमें बाउंड्री का मतलब क्या है, जो उन्होंने सीमा बना रखी है उससे बाहर अगर गेंद जाती है तो क्या चौका या छक्का होता है, वही चीज़ क्या यहाँ है। डैमेज बाउंड्री का मतलब क्या है, इंसेक्ट की वो लोएस्ट लेवल, ठीक है, इंसेक्ट की वो लोएस्ट डेंसिटी या इनका लेवल जिस पे क्या है हमें डैमेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हमें क्षति होना चालू हो जाता है या चालू हो जाती है उसको क्या बोलते हैं डैमेज बाउंड्री। द लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज, ठीक है, द लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको क्या है हम मेजर कर सकते हैं या जिसको नाप सकते हैं उसको क्या बोलेंगे डैमेज बाउंड्री, ठीक है। यानी कि लॉस तो हो रहा है और हमें दिख रहा है वो लॉस, हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जो लेवल होती है उसको क्या बोलते हैं डैमेज बाउंड्री। अब बात करते हैं, अब यहाँ देखिए क्या होगा, डैमेज बाउंड्री पे क्या होती है टर्म, ETL इज ऑलवेज लेस देन EIL। इस कंडीशन में क्या है, जो ETL होती है इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल जो होती है वो हमेशा क्या होगी इकोनॉमिकल इंजरी लेवल से कम होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इंजरी स्टार्ट होती है डैमेज बाउंड्री, तो पहले हमें क्या है वो बाउंड्री पता चल गया कि हाँ अब क्या है हमें लॉस होना स्टार्ट हो गया, तो फिर उसके बाद वो क्या है किसके अंदर एंटर कर जाती है इकोनॉमिकल इंजरी लेवल, ठीक है। अब यहाँ क्या है, प्रोवाइड सफिशियंट टाइम फॉर कंट्रोल मेजर्स। डैमेज बाउंड्री जो होती है ये वो बाउंड्री होती है जिसके ऊपर हमें क्या है सफिशियंट, हमारे पास अभी भी क्या है सफिशियंट टाइम होता है कि हम कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करें या इनको जो भी ये पेस्ट नुकसान पहुंचा रहा है उसको रोकने के क्या है जो भी तौर तरीके हैं उनको इस्तेमाल करें, इसके लिए सफिशियंट टाइम जो है हमारा वो रहता है डैमेज बाउंड्री पर, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिकल इंजरी लेवल आ जाती है, तो उसमें क्या होगा इकोनॉमिकल इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है, उस कंडीशन में हम अगर कंट्रोल भी करते हैं तो क्या है हमें कुछ ना कुछ नुकसान झेलना पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं, फिर है कैटेगरी है पेस्ट की अकॉर्डिंग टू EIL GEP एंड डैमेज बाउंड्री। अभी जो हमने पढ़ा था इकोनॉमिकल इंजरी लेवल क्या है, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, प्लस डैमेज बाउंड्री क्या है, GEP क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इनके आधार पे क्या है इनकी क्या है पेस्ट की कैटेगरीज बनाई गई है। अब कौन कौन सी कैटेगरी है, फर्स्ट बात करते हैं की पेस्ट। वैसे मैंने आपको फर्स्ट जो लेक्चर हुआ था हमारा इंट्रोडक्टरी उसके अंदर ही सबके बारे में बता दिया था, फिर भी इसको दोबारा समझ लो डिटेल में अच्छे से, और इसकी PDF जो है आपको लेक्चर के बाद आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो देखिए की पेस्ट की अगर बात करें तो की पेस्ट कौन सा होगा, देखिए सबसे पहले तो क्या है मोस्ट सीवियर एंड डैमेजिंग पेस्ट, ठीक है, सबसे जो क्या है खतरनाक होगा और क्या है नुकसान पहुंचाने वाला जो होगा उसको क्या बोलेंगे की पेस्ट बोलेंगे, ठीक है, मोस्ट सीवियर एंड डैमेजिंग पेस्ट। GEP अबव लाइज अबव EIL ऑलवेज, यानी कि जो GEP जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन जो है वो हमेशा क्या है इकोनॉमिकल इंजरी लेवल से ऊपर रहती है। अब ऊपर रहने का मतलब क्या है यहाँ पे अगर अपने समझें तो
तो इसका मतलब क्या है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है कि मान लो ये जो कोई भी पेस्ट है, ठीक है, अब जैसे कॉटन के अंदर बात करें, कॉटन के अंदर जो बॉलबन्स होते हैं, है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इनकी डेंसिटी जो है, इनकी डेंसिटी जो है वो हमेशा क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है, हर क्रॉप के लिए, हर पेस्ट के लिए क्या है, एक लेवल डिसाइड किया गया है, एक एवरेज डेंसिटी बनाई गई है, जिसको क्या बोलते हैं कि ये जीईपी है। यहाँ पेस्ट रहे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल है, लेकिन इस जो की पेस्ट होता है, इसकी कैटेगरी में क्या होता है, ये जो जनरल पोजीशन जो है ये रहनी चाहिए ना, ये पहले से ही ईआईएल से ऊपर रहती है, यानी कि इनकी डेंसिटी पहले ही इतनी होती है कि ये जो इकोनॉमिकल इंजरी लेवल जो डिसाइड होता है ना, आर्थिक क्षति जहाँ होना स्टार्ट होती है, ये पहले से ही उसको क्रॉस की होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, फिक्स है कि नुकसान तो होना ही होना है, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये ध्यान रखना इस लाइन को, कि इसमें क्या है, जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो हमेशा ईआईएल से ऊपर होती है। फिर बात करेंगे, देखो स्प्रे जो अपने स्प्रे कर रहे हैं किसी केमिकल का, वो क्या है, टेम्परेली ब्रिंग पॉपुलेशन बिलो ईआईएल, यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है कि स्प्रे तो हम कर रहे हैं, वो क्या काम करेगा, वो एक बार टेम्परेली क्या है, उस पोस्ट की जो पॉपुलेशन है उसको रोक सकता है एक बार, है ना, लेकिन उसको मैनेज नहीं करता है, ठीक है। ये जो पॉपुलेशन है इसको इकोनॉमिकल इंजरी लेवल जो है ना, उससे बिलो लेके आ सकते हैं अपन टेम्परेरी तौर पे, है ना, लेकिन बाद में क्या है, अगर बहुत ज़्यादा इसको मैनेजमेंट के तौर तरीके नहीं अपनाते हैं तो ये क्या है, वापिस ही आ जाता है। तो ध्यान रखना, ये क्या है, स्प्रे जो है उससे अपने टेम्परेरी इसको रोक सकते हैं। फिर बात करते हैं, दीज आर परसिस्टेंट पेस्ट, यानी कि ये क्या है, दृढ़ होते हैं, नुकसान क्या है पहुंचाते, परसिस्टेंट हमने पढ़ा था ना अभी, दृढ़ जिसको बोलते हैं, थ्रू आउट द ईयर रहते हैं, और इनको क्या है, जिनको मैनेज करना मुश्किल होता है, तो वही चीज़ है, ये क्या है, परसिस्टेंट पेस्ट की कैटेगरी में। द इन्वायरमेंट मस्ट बी चेंज, अब यहाँ क्या है, इसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, द इन्वायरमेंट मस्ट बी चेंज, मस्ट बी का मतलब क्या होता है, आपको करना ही पड़ेगा, यानी कि अगर आपको इस पेस्ट को कंट्रोल करना है, या इसकी जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है जीईपी है, उसको आपको ईआईएल से नीचे लेके आना है, तो आपको क्या करना है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उस क्रॉप का जो आसपास का भौतिक वातावरण है, उसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा। द इन्वायरमेंट मस्ट बी चेंज्ड टू ब्रिंग जीईपी बिलो ईआईएल, जीईपी को ईआईएल से नीचे लेके आने के लिए क्या आपको इन्वायरमेंट को चेंज करना ही पड़ेगा, तभी इस पेस्ट का कंट्रोल होगा। एग्जाम्पल के लिए कॉटन में के अंदर बॉलवर्म होगी और डायमंड बैक मॉथ हो गया, जो कि कुकरबिट्स के अंदर लगता है। अब कॉटन बॉलवर्म, कॉटन में क्या है, तीन तरह के बॉलवर्म्स लगते हैं, चलो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखना। फिर सेकंड है मेजर पेस्ट, ठीक है, वो तो हो गया की पेस्ट, अब बात करते हैं मेजर पेस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, जीईपी जो है, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसको बोलते हैं, वेरी लाइज वेरी क्लोज टू ईआईएल, यानी कि जो इकोनॉमिकल इंजरी लेवल जो होती है उसके बहुत क्लोज रहती है ये, है ना। क्लोज रहने का मतलब क्या है कि क्रॉस तो नहीं होती है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाए तो ये क्या तुरंत क्रॉस कर जाती है उसको ईआईएल को, और उसके साथ आप मान के चलो बहुत ही उसके क्या टच में रहती है, या बहुत ही नज़दीकी संबंध होता है इनके अंदर, है ना, कंसाइड्स विद ईआईएल, यानी कि इसके बहुत ही करीबन होता है, ठीक है। जीपी वेरी क्लोज टू ईआईएल, इसके क्या है बहुत नज़दीक होती है, और इसके क्या है लगभग समान रहती है, जो जीपी है वो ईआईएल के लगभग समान रहती है। इकोनॉमिक डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली एंड रिपीटेड स्प्रे, यानी कि इकोनॉमिकल इससे हमें जो आर्थिक क्षति होने वाली है उसको क्या है, अगर हम टाइमली इसके ऊपर स्प्रे करें और तो इससे क्या होगा, टाइमली अगर स्प्रे करें तो इसको बचाया जा सकता है, यानी इस पेस्ट का कंट्रोल हम कर सकते हैं इसको ईआईएल तक पहुंचने से पहले ही, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कॉटन जेसिड और राइस स्टेम बोरर, ये क्या है मेजर पेस्ट है इन क्रॉप के, जेसिड जो वो कॉटन का है और राइस स्टेम बोरर राइस का क्या है मेजर पेस्ट है, तो इन मेजर पेस्ट जो है इनको अगर हम टाइमली अगर इनके क्या है कंट्रोल मेजर सप्लाई करें तो इसको क्या है बचाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है माइनर पेस्ट, माइनर पेस्ट या ओकेजनल पेस्ट जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जीईपी जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो क्या है हमेशा ही बिलो रहती है ईआईएल से, यूजुअली सामान्यतः क्या है नीचे रहती है, यानी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो क्या है हमेशा ही ईआईएल इकोनॉमिकल इंजरी लेवल है उससे नीचे रहेगी, तभी तो इसको क्या बोलते हैं माइनर पेस्ट बोलते हैं।
रेयरली दे क्रॉस EIL, यानी बहुत ही कम ऐसा समय होता है जब ये इकोनॉमिकल इंजरी लेवल को क्रॉस करते हैं, यानी कि माइनर पेस्ट होते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर इन्वायरमेंट के अंदर चेंज हो जाए या फेवरेबल क्लाइमेट इनके लिए हो जाए तो ये माइनर पेस्ट जो है ये कभी कभी क्या है, मेजर पेस्ट बन के आते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, उसी माइनर पेस्ट की बात चल रही है। कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग, स्प्रे से कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल कॉटन स्टेनर हो गया, जो कॉटन के अंदर लाल रंग जो ला देता है ना, उसके अंदर जो कॉटन बात करें जो लिंट होता है रेशा उसके अंदर, उसको बोलते हैं कॉटन स्टेनर। राइस हिस्पा हो गया, एश वीबिल हो गया कॉटन के अंदर। तो ये क्या है, ये माइनर पेस्ट है, इनकी जो है GEP वो बिलो कम रहती है EIL से, लेकिन अगर फेवरेबल क्लाइमेट मिले तो ये क्या है, उसको क्रॉस कर जाती है। अब बात करेंगे स्पोरेडिक पेस्ट की। अब स्पोरेडिक जैसे कि नाम से ही हमने पहले भी पढ़ा था लेवल को, तो वही चीज़ है, स्पोरेडिक यानी बहुत ही क्या है, कम जो होते हैं। GEP जनरली बिलो EIL, GEP जो है वो हमेशा क्या है, बिलो ही रहती है EIL से सामान्यतः। समटाइम कभी कभी क्या होता है, इट क्रॉसेस EIL, ये EIL को क्रॉस कर जाती है एंड कोज सीवियर लॉस, और बहुत अधिक क्या है, नुकसान भी पहुँचाते हैं। इन सम प्लेसेस पीरियड्स, कुछ जो है स्थान या फिर कुछ समय के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेडिक पेस्ट बोलते हैं। जैसे सुगरकेन पायरीला हो गया, वाइट ग्रब हो गई जो ग्राउंडनट के अंदर लगती है, या हैरी कैटरपिलर जो ग्राउंडनट के अंदर लगती है, तो ये क्या है, ये स्पोरेडिक होते हैं। लेकिन क्या है, अगर जनरली तो क्या है, इनकी जो GEP है वो EIL से बिलो ही रहेगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि कभी कभी क्या होता है, ये क्रॉस कर जाते हैं। वो सब किस पे होगा, अगर इनके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट है ना, अनुकूल वातावरण है, तो क्या है, जल्दी जल्दी इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, बहुत ज़्यादा इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब डेंसिटी बढ़ेगी, अनुकूल जो है इनका वातावरण इनको अनुकूल मिल रहा है, तो क्या लाइफ साइकिल जल्दी जल्दी कंट्रोल होगा, लाइफ साइकिल जो है जल्दी जल्दी चलेगा, तो इससे क्या होगा, इनकी संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ेगी तो इनका डैमेज भी बढ़ेगा, और डैमेज भी बढ़ेगा तो क्या है, ये EIL को क्रॉस कर जाते हैं। फिर बात करते हैं पोटेंशियल पेस्ट की। अब पोटेंशियल पेस्ट किसको बोलते हैं, ये क्या है, अभी वो कैटेगरी जो क्या अभी पेस्ट नहीं है, यानी कि अभी करंट सिचुएशन में उनका नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इनको फेवरेबल क्लाइमेट मिलती है इन फ्यूचर, तो ये क्या है, सीवियर पेस्ट बन के आते हैं और डैमेज करते हैं। देखिए दे आर नॉट पेस्ट एट प्रेजेंट, ठीक है, अभी क्या है, ये पेस्ट नहीं है। GEP ऑलवेज लेस देन EIL, GEP जो है वो हमेशा EIL के नीचे रहती है। इफ़ इन्वायरमेंट चेंज्ड, अगर वातावरण के अंदर बदलाव आता है, दे मे कोज इकोनॉमिक लॉस, तो ये क्या है, इकोनॉमिक लॉस भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्पोडोप्टेरा लिटुरा, जो टोबैको कैटरपिलर जिसको बोलते हैं, तंबाकू का कैटरपिलर, इज पोटेंशियल पेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या है, ये एक पोटेंशियल पेस्ट है ना, जो उत्तरी भारत है यहाँ क्या है, इसको पोटेंशियल पेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा डैमेज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का जो पेस्ट की कैटेगरीज है ना, कौन कौन सी कैटेगरीज में इनको बांटा गया है, प्लस जो लेवल है डैमेज के, वो कैसे कैसे डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे, तो इसको ढंग से पढ़ लेना, और जो आपकी डेफिनेशंस जो आती है, या फिर अगर बात करें जो आपका ए पार्ट जो आता है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसके अंदर आपको इनमें से बहुत से जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।